फोन लगा के नहीं डॉक्टर को? महेश मैं कब से ट्राई कर रही लेकिन बिजी आ रहा है। वापस लगाओ। सॉरी दोनों, तुम्हें यहां से जाना होगा, इस घर से तुम्हें जाना ही होगा। चलो ब्रुनो, चलो चलो। नहीं मतलब नहीं, ये कुत्ता हमारे घर में नहीं रहेगा। कितनी बार कहा है कि कुत्ता हमारे घर में नहीं चाहिए, फिर भी तुम कुत्ता लेके आते हो। कुत्ता होने से परेशानी होती है। कितनी बार कहा है नहीं मतलब नहीं, ये कुत्ता नहीं रहेगा। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, नहीं तो बच्ची जान से जाएगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखो राका और शाका, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो बच्ची को छोड़ दो और अपने आप को सरेंडर कर दो। ए चुप, कोई सरेंडर नहीं करेगा, और ज्यादा होशियारी दिखाई ना किसी ने तो इसको जान से मार देगा। पूछ मेरी बेटी को कुछ मत करना। रुक जाओ बल्लू। अरे बल्लू देखो, पुलिस अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम दोनों आत्मसमर्पण कर दो। क्या क्या कर दो? आत्मा समाप्त कर दो। अरे बच्चे, अगर तेरे को अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना। नहीं, लेकिन अगर तुम दोनों अपनी खैरियत चाहते हो तो मेहर को छोड़ दो। बल्लू, बल्लू, बेटा तू वापस आ जा, ये लोग बहुत खतरनाक है। माँ, अगर ये दोनों खतरनाक है तो मैं भी बालवीर हूँ, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। बालवीर, 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 इस बालवीर ने बच्चों का दिमाग खराब करके रखा है, जिसको देखो वो बालवीर बन रहा है। हाँ भाई, एक बार इस बालवीर ने अपन को पब्लिक के सामने बहुत दोया था, तब से अपन की बैक में बहुत दर्द होता है। क्या बात कर रहा है तू? हाँ देखो, मेहर को छोड़ दो, छोड़ दो मेहर को। रुक जाओ बल्लू, रुक जाओ, गोली मार दूंगा। नहीं नहीं, नहीं, नहीं। अरे ये बदमाश लोग मेरी दोस्त मेहर को चोट पहुंचा रहे हैं, आज छोड़ूंगा नहीं इन्हें। अरे चल पीछे चल। रुक जाओ, रुक जाओ। चल अरे चल भाई अंदर, चल निकल, चल। व्हाट, रुक जाओ। बल्लू बल्लू बल्लू, खड़ा बल्लू बेटा, तुझे लगी तेरी? मैं ठीक हूँ मम्मी पापा, मुझे मेहर को बचाना होगा, मैं आता हूँ। मम्मी पापा बचाओ बल्लू। मैं बालवीर क्यों नहीं बन पा रहा? बल्लू बालवीर नहीं बन पा रहा है, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। यस, ये पुलिस की जीप पहुंचाएगी मेहर के पास, बस इसे चलाऊंगा मैं। रेडी स्टेडी गो। यो हो, पुलिस और ब्रूनो सदैव आपकी सुरक्षा के लिए हाजिर हैं। ब्रूनो, वाह तैयारी, वाह, वो रहा है बिल्कुल वैसा जैसा कहा था आपने। है बन के रह गया ये बालवीर तो केवल बल्लू लल्लू। सही कहा तुमने पापा पापा, सब कुछ मेरे योजना अनुसार ही हो रहा है। अब वो समय आ गया है, समय आ गया है तौबा तौबा, कि जब पृथ्वीलोक पर हो रही सारे घटनाओं की जिम्मेदारी
मैं अपने सिर पर ले लूंगी। क्या? अरे है क्या कह रही है आप? है मारते लोग तो पैरों पे कुल्हाड़ी, लेकिन हो मारने जा रही आप तो कुल्हाड़ी पे पैर। ये दैत्यानी का माया जाल है तौबा तौबा, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम तो बस बैठकर तमाशा देखो, तमाशा। अरे ए, जब बाइट है तो गोली मारेगा। अरे अंकल प्लीज मुझे छोड़ दो ना, प्लीज छोड़ दूं? मारेगा गोली, जब बाइट। डोंट वरी मेहर, मैं आ रहा हूं। मतलब ये डॉगी कार चला रहा है? अरे साका तू किधर है यार? ये डॉगी ने एक बार तेरा वाट लगाया, अभी अपुन का बारी है। ब्रोनर जल्दी आ गया हो, इस गुंडे को मजा चखाओ। मजा चखाएगी, मारेगा गोली, चुपचाप बैठ। आ तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि एक बार जो मैं कमिटमेंट करता हूँ उसके बाद तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। अबे भागो यहाँ से, वरना हम तुम में इतने छेद करेंगे समझ नहीं आएगा कि ब्रूनो तुम गाड़ी भी चला सकते हो? मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, चलो गाड़ी में बैठो। हेलो हेलो, बीट नंबर 3 से मैं इंस्पेक्टर बोस से बोल रहा हूँ। देखो अभी भी एक गुंडा एक भागा है, लाल कलर की गाड़ी लेके गया है, सब जगह पे नाकाबंदी कर दो। मम्मी मम्मी वो देखो डॉगी गाड़ी चला रहा है। वेल डन ब्रूनो, बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू वेरी मच। हॉल्डर इन दोनों को अंदर डालो। अरे कोई मुझे भी तो गले लगाओ। सॉरी बच्चों, मैंने तुम्हारे ब्रूनो को समझने में गलती की, अब ब्रूनो हमारे घर में रह सकता है। लेकिन तब तक जब तक उसे कोई संभालने वाला सही इंसान नहीं मिल जाता। बेटा मेहर तुम पोस्टर बनाओ और हर जगह लगा दो। ठीक है पापा, मैं इसकी पोस्टर्स बनवा के हर जगह लगवा दूंगी। और हाँ पापा थैंक यू। महेश घर चले, डॉक्टर भी आते ही होंगे। हाँ चलो चलो बच्चों। बालवीर बालवीर अटका दी बड़ी। बालवीर आप हमसे आके अकेले में मिलिए, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ क्या हुआ भटका दी बड़ी, आपने मुझे क्यों बुलाया? बालवीर बालवीर आप आजकल हो कहाँ? रानी परी आपसे कब से मिलने का प्रयास कर रही है, किंतु उनके बार बार बुलाने के बाद भी आप नहीं आ रहे। रानी परी मुझसे मिलना चाहती है, ये अब क्या कह रही है भटकाती परी? रानी परी के पुकारने की आवाज तो मुझे सुना ही नहीं दी। क्या क्या? हाँ और आश्चर्य की बात तो ये है कि मैं बालवीर का रूप भी धारण नहीं कर पा रहा हूँ। क्या लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? बालवीर
आप हमारे साथ तुरंत परीलोक चलिए, यहाँ जरूर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। अब इस परेशानी का हल रानी पर ही बता पाएंगे। ठीक है चलिए। ये बच्चे कब तक ठीक होने की उम्मीद है? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरा बच्चा कब ठीक होगा? बताइए ना मुझे मेरा बच्चा कब ठीक होगा? अरे ये क्या बताएंगे, इन्हें कुछ पता होगा तो बताएंगे ना। मैंने दैत्यों की भक्ति मिली है, मुझे दैत्यों से शक्ति, हूँ मैं बुराई की महाशक्ति दैत्यानी। पृथ्वीवासियों, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लेकिन ये बच्चे कभी भी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब मेरी बुराई की वजह से बीमार है, और इसे अगर कोई ठीक कर सकता है वो सिर्फ मैं हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं। देखिए आप बहुत बुरी हैं, बालवीर आपको नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा बालवीर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। उसे जाके कह दो कि मेरे कदमों में आके अपना सिर झुकाए और अपनी हार स्वीकार कर ले। यदि उसने ऐसा नहीं किया फिर ये बच्चे कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, और उनकी बीमारी बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। बालवीर के पास अपनी हार स्वीकार करने के लिए सिर्फ 24 घंटे का समय है, 24 घंटे बस। इस जादुई ताकत ने तो बालवीर को सीधे सीधे ललकारा है, अब देखना यह है कि बालवीर इस चुनौती का सामना कैसे करता है। कहाँ हो तुम बालवीर? मैं तो भरा मेरे कदमों में गिरने का इंतजार कर रही हूँ। जल्दी आओ वरना बहुत देर हो जाएगी। बालवीर, एक तरफ दैत्यानी ने बच्चों की रहस्यमय बीमारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर आपको ललकारा है, और दूसरी तरफ आपको हमारी या बच्चों की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है। हमें लगता है कि जरूर इन दोनों बातों में कोई ना कोई संबंध है। सावधान बालवी। हमारे वार को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। ये अब क्या कह रहे हैं? बस बालवी, अब आपको हमारे इस वार से कोई नहीं बचा सकता। आप बच्चों की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं, उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए अब आप हमारे किसी काम के नहीं रहे। हमारे वार से बच सकते हैं तो बचिए बालवीर। देखिए आपके बेटे को भी वही बीमारी हुई है जिसका हम डॉक्टर्स अभी तक वो इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मेयर प्लीज रो मत, बालवीर है ना, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। यस।
पर मुझे बालवीर को बताना है कि वो मानव को जल्दी से ठीक कर दे। बालवीर, बालवीर कहाँ हो तुम? बालवीर प्लीज जल्दी से आ जाओ और मानव को ठीक कर दो। जब मानव को कुछ होता है तब हमारे घर की सारी खुशियां चली जाती है। प्लीज बालवीर, प्लीज आके मानव को ठीक कर दो। बालवीर, बालवीर कहाँ हो तुम? रानी परी, ये कवच, इसका मतलब है? बालवीर कहाँ हो तुम? ये तो मेहर की आवाज है। परियों, आखिर वही हुआ जिसका हमें संदेह था। बालवीर, हमने जानबूझकर आपके ऊपर वार किया था ताकि आपके ऊपर लगा हुआ मायावी कवच सक्रिय हो जाए। बालवीर, दैत्यानी ने आपके चारों ओर अपना कवच लगा रखा है और इसी की वजह से आपको हमारी और पृथ्वी लोक के बच्चों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हाँ बालवीर, और इसी वजह से अभी अभी पृथ्वी लोक से आई मेहर की पुकार आप तक नहीं पहुंच पाई। क्या मेहर की आवाज? मेहर मुझे पुकार रही है? माँ रानी परी, परियो, मेहर ठीक तो है ना? क्या हुआ है मेहर को? मेहर ठीक है बालवीर, लेकिन मानव ठीक नहीं है। मेहर आपको मानव के लिए ही पुकार रही थी। हमें तो डर है परियो कि कहीं इस घटनाक्रम में बालवीर ने अपनी शक्तियां तो नहीं खो दी। हाँ डरी परी, आपका शक बिल्कुल सही है। बालवीर के पास अब उनकी शक्तियां नहीं है और दैत्यानी का लगाया हुआ कवच इस बात का सूचक है कि उसने बालवीर की शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास किया है। क्या रानी परी, ये सब कैसे हो गया? लगता है कि इस बार दैत्यानी ने एक बहुत ही खतरनाक चाल चली है। हाँ रानी परी, बालवीर की शक्तियां पाकर दैत्यानी और भी शक्तिशाली हो जाएगी। हमें तो बहुत डर लग रहा है रानी परी। शांत हो जाइए परियों, शांत हो जाइए। दैत्यानी ने बालवीर की शक्तियां लेने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन ऐसा करने में वो सफल नहीं हो पाई है। इसका मतलब बालवीर की शक्तियां ना बालवीर के पास है और ना ही दैत्यानी के पास। तो आखिर बालवीर की शक्तियां है कहां? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.